तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। यक्षिणी गुस्से के साथ अनुराग को घूरते हुए फिर उससे पूछती है, मैंने कहा आप कल कहां गए थे लेखक बाबू? जब अनुराग यक्षिणी की गुस्से से भरी आंखें देखता है तो घबरा जाता है, उसे यक्षिणी से डर लगने लग जाता है। अनुराग हकलाते हुए कहता है, वो। अनुराग अपनी बात यक्षिणी से कह पाता उससे पहले ही यक्षिणी बोल पड़ती है, वो क्या कर रहे हैं आप लेखक बाबू? मेरी बात का जवाब दीजिए, कहां गए थे कल आप? दिन के वक्त जब यक्षिणी अपनी शक्तियां पूर्ण गठित करने बैठती थी तो उसका पूरा ध्यान साधना करने में होता था, जिस कारण वो अनुराग पर दिन में नजर नहीं रख पाती थी कि वो कब कहां पर जा रहा है। यही कारण था कि यक्षिणी बार बार उससे पूछे जा रही थी कि कल दिन में वो कहां पर गया था। अनुराग यक्षिणी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो कल मैं लुम्सोपेट बिनिंग की पहाड़ी पर गया था यक्षिणी। जब यक्षिणी अनुराग के मुंह से ये बात सुनती है तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहती है, क्यों गए थे आप वहाँ पर? अनुराग डरते हुए जवाब देता है, वो यक्ष के बारे में पता करने यक्षिणी, मुझे लगा हो सकता है जिस तरह तुम मुझे मिली उसी तरह मुझे वहाँ पर वो यक्ष भी मिल जाए, फिर मैं उससे उसकी पूरी कहानी जान सकता था ना कि उसके और इंद्रदेव के बीच क्या बातें हुई थी। यक्षिणी अनुराग को घूरते हुए कहती है, मैंने आपको जितना यक्ष के बारे में बताया था उतना काफी नहीं था क्या जो आप वहाँ पर चले गए उसे ढूंढने के लिए? आपको वहाँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं थी लेखक बाबू। अनुराग यक्षिणी से इतना डर गया था कि कुछ बोल तक नहीं पा रहा था। उसके तो यही बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर उसके उस पहाड़ी पर जाने से ऐसा क्या हो गया था कि यक्षिणी उस पर इतना गुस्सा कर रही थी। यक्षिणी गुस्से के साथ ही अनुराग से कहती है, मैं कुछ पूछ रही हूँ लेखक बाबू, बोलिए, जितना मैंने आपको यक्ष के बारे में बताया था उतना काफी नहीं था क्या? अनुराग हिचकिचाहट के साथ कहता है, काफी था यक्षिणी। यक्षिणी पलट कर कहती है, फिर क्यों गए आप वहाँ पर लेखक बाबू? अनुराग की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे यक्षिणी को शांत करे। अनुराग तुरंत अपनी गलती मानते हुए कहता है, गलती हो गई यक्षिणी, अब तुमसे पूछे बिना कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे माफ कर दो यक्षिणी। जब अनुराग यक्षिणी के सामने हाथ जोड़ता है तब जाकर यक्षिणी का गुस्सा कुछ शांत हो पाता है। यक्षिणी अनुराग को घूरते हुए कहती है, कहानियों के बारे में उतना ही जानिए जितना मैंने आपको बताया है लेखक बाबू, उससे ज्यादा ना ही कुछ जानने की जरूरत है ना ही कुछ लिखने की जरूरत है, समझे आप? वरना एक दिन इन कहानियों के चक्कर में आप मुझे तो खो ही देंगे पर साथ ही में अपनी जिंदगी की कहानी भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर बैठेंगे। यक्षिणी की बात सुनकर अनुराग और ज्यादा डर जाता है, उसके गले से तो पानी ही नहीं नीचे उतर पा रहा था। यक्षिणी भारी आवाज में कहती है, मैं जा रही हूँ, रात को आती हूँ अपनी कहानी के एक और किस्से के बारे में बताने, पर उतना ही जानना जितना मैं बताऊंगी, उससे ज्यादा न कुछ जानने की जरूरत है और ना ही पता करने की। इतना कहकर यक्षिणी वहां से चली जाती है। जैसे ही यक्षिणी वहां से जाती है कुछ देर तक तो अनुराग मूर्ति बनकर ही खड़ा रहता है। यक्षिणी का गुस्सा देखकर उसके मन में यक्षिणी के लिए खौफ बैठ गया था। कुछ देर बाद जब अनुराग की जान में जान आती है तो वो सबसे पहले अपने माथे पर का पसीना पोंछता है, टेबल पर रखी गिलास का पानी एक ही घूंट में पूरा पी जाता है। अनुराग मन ही मन सोचने लग जाता है, ये यक्षिणी को रहते रहते हो क्या जाता है? आखिर मैं वहाँ पर चले गया तो क्या हो गया? मुझे वहाँ पर यक्ष थोड़ी मिल गया जो ये मुझ पर इतना गुस्सा कर रही थी, और यही बात ये मुझसे रात में भी पूछ सकती थी, अचानक से सुबह सुबह कैसे पूछने लग गई? आखिर रात में हुआ क्या था? कहीं मैं कहानी सुनते सुनते सो गया था इस वजह से तो नाराज नहीं थी, और मुझ पर गुस्सा करने का बहाना ढूंढ रही हो जो इसे मिल गया? अनुराग यक्षिणी के बिहेवियर के बारे में सोचते हुए कहता है, पता नहीं यक्षिणी को रह रहकर क्या हो जाता है, कभी मुझ पर इतना प्यार जताती है कि मैं ही इसके लिए इसका सब कुछ हूँ, और कभी ऐसे बर्ताव करती है कि मैं ही इसका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। कभी कभी तो डर लगता है कि किसी दिन यक्षिणी डायन बनकर सच में मेरी ही जान ना ले ले। इन्हीं सारे सवालों के साथ अनुराग गहरी सोच में डूब जाता है। पूरा दिन अनुराग यक्षिणी के बदलते हुए बर्ताव के बारे में सोचते हुए गुजार देता है। कुछ नहीं लिख पाता है, वो लिखने के लिए बैठता तो है पर कुछ लिख नहीं पाता है क्योंकि कहानी लिखने के लिए मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी होता है।
और इस वक्त अनुराग का मन एकाग्र नहीं था। उसके मन में कई सारे सवाल एक साथ दौड़ रहे थे। एक लेखक को अपनी कहानी को अपना सब कुछ देना पड़ता है, अपनी रूह तक। और अनुराग ने जिसे अपनी रूह दी थी वो थी यक्षिणी। तो वो भला अपनी कहानी पर कैसे ध्यान लगा सकता था। जब रात होती है और यक्षिणी आती है तो अनुराग यक्षिणी को एक अलग ही रूप में पाता है। यक्षिणी अनुराग की नाराजगी दूर करने के लिए मनमोहक श्रृंगार करके आई थी। जब अनुराग यक्षिणी को देखता है तो उसके मन में यक्षिणी के प्रति जितनी भी दिन में नाराजगी थी सारी खत्म हो जाती है। यक्षिणी को अच्छे से पता था कि अनुराग को कैसे खुश किया जाता था। यक्षिणी हमेशा की तरह अनुराग से पहले मनमोहक दिलकश बातें करती है और फिर अपनी कहानी का एक और किस्सा सुनाने लग जाती है। अनुराग भी बड़े लगाव के साथ वो किस्सा सुनने लग जाता था। हर दिन यही होता था। यक्षिणी रात में आती थी, अनुराग को अपनी कहानी का एक नया किस्सा सुनाती थी और दिन होते ही वापस से साधना करने चली जाती थी। यक्षिणी हर रोज अनुराग को एक नया किस्सा सुनाती थी, पर अनुराग कुछ लिख नहीं पाता था क्योंकि यक्षिणी अनुराग को हर किस्सा अधूरा सुनाती थी। अनुराग को हर वक्त ये लगता था कि यक्षिणी उसे बहुत सी बातें नहीं बता रही थी। अनुराग जो भी यक्षिणी से सवाल करता था या तो यक्षिणी बात को घुमा देती थी, टाल देती थी, या फिर अनुराग को गुस्से के साथ घूरने लग जाती थी, जिस कारण अनुराग पलट कर दोबारा वो सवाल पूछ ही नहीं पाता था। एक लेखक तभी किसी किस्से के बारे में लिख पाता है जब उसे उस किस्से का हर हिस्सा पता हो, उस किस्से की छोटी से लेकर बड़ी बात तक पता हो, जब वो उस किस्से के हर पहलू को जान लेता है, अपने मन में वो किस्सा उतार देता है, तब जाकर उसकी कलम राजी होती है उस किस्से को लिखने के लिए। पर यक्षिणी अनुराग को हर किस्सा अधूरा सुना रही थी, जिस कारण अनुराग ना ही उस किस्से को अपने मन में बसा पा रहा था, ना कुछ लिख पा रहा था। अनुराग कहानी भले ही नहीं लिख पा रहा हो, पर वो रिश्ते जिनकी डोर टूट गई थी वो वापस से जुड़ने लग गई थी। अनुराग से बल्लू काका मिलने के लिए आ जाया करते थे, उसका हालचाल पूछने के लिए। बल्लू काका ही नहीं, कभी कभी विराट भी ग्रेवयार्ड कोठी आ जाया करता था उससे मिलने के लिए। विराट को भी अनुराग के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था। विराट और बल्लू काका अनुराग से चोरी छुपे मिलने जाते हैं। ये बात ज्यादा देर तक वंदना और जानकी से छुपी नहीं रही थी, इसलिए हवेली में जब भी कुछ स्पेशल खाने के लिए बनता था तो जानकी चुपके से अनुराग के लिए बल्लू काका के हाथ खाना भिजवा दिया करती थी। अनुराग हमेशा बल्लू काका से कहता था, खाना लाने की कोई जरूरत नहीं थी बल्लू काका, अगर दिलीप भैया को पता चला तो ठीक नहीं होगा, हो सकता है वो आपको नौकरी से निकाल दे। और बल्लू काका हमेशा अनुराग से कहते, निकालते हैं तो निकालने दीजिए छोटे मालिक, वैसे ही मेरी जिंदगी बची ही कितने दिन की है, अगर उन्हें पता चल गया तो अच्छी ही बात है, कम से कम मैं आपकी सेवा तो कर पाऊंगा, और जो बड़े मालिक आपके पिता ब्रजेश्वर जी से वादा किया था आपके हमेशा साथ रहने का, उसे पूरा तो कर पाऊंगा। बल्लू की ये बात सुनकर अनुराग चुपचाप बल्लू का लाया हुआ खाना रख लेता। हवेली में रजनी और सुदेश को भी पता चल गया था कि बल्लू काका और विराट ग्रेवयार्ड कोठी जाते रहते थे। इस बात से कोई अनजान था तो वो सिर्फ दिलीप था। उसे जरा सी भी भनक तक नहीं लगी थी कि हवेली का कोई सदस्य अनुराग से मिलने के लिए जाता था। वक्त बीतते जा रहा था। अनुराग की रातें यक्षिणी से उसकी कहानी सुनने में गुजरती थी तो दिन उसके इंतजार में गुजरता कि कब यक्षिणी आएगी और उसे उसकी कहानी के और किस्से सुनाएगी। दिन तेजी के साथ गुजरते जा रहे थे। देखते ही देखते अमावस्या भी आ जाती है और यक्षिणी फिर किसी मर्द को अपना शिकार बना लेती है। इस बार शिकार बनाने के बाद यक्षिणी की शक्तियां जो कम हो गई थी वो शिकार करने के कारण वापस आ जाती है, जिस कारण अब वो दिन में शक्ति पूर्ण गठित करने नहीं जाती थी। दिन में भी ग्रेवयार्ड कोठी में अनुराग के साथ रहा करती थी, जिसका नुकसान ये हुआ कि अनुराग का जो थोड़ा बहुत उसकी कहानी लिखने पर ध्यान लगता था वो भी नहीं लग पाता था। उसकी नजरें हर वक्त यक्षिणी पर ही जमी रहती थी। वो देखता रहता कि यक्षिणी कब क्या कर रही है और उसके बारे में सोचते रहता। अनुराग भले ही यक्षिणी की कहानी के बारे में कुछ न लिख पाया हो, पर उसकी किताब डर के 10 किस्से जो जगदीश पब्लिश कराने वाला था वो पब्लिश हो गई थी। वैसे तो अनुराग के इससे पहले 3 नॉवेल और छप चुके थे, पर इस बार जब वो अपनी चौथी किताब डर के 10 किस्से को अपने हाथ में पकड़ता है तो उसे वो खुशी का एहसास होता है जो उससे पहले 3 नॉवेल छपने पर भी नहीं हुई थी। इसका मुख्य कारण ये था कि इस बार अनुराग को अपनी किताब छपाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं देने पड़े थे, सारा खर्चा पब्लिशर ने उठाया था। वक्त तेजी के साथ गुजर रहा था, पर अनुराग था कि यक्षिणी से उसके किस्से सुनने और उसके साथ वक्त बिताने में ही खुश था।
वक्त एक महीने से ज्यादा हो गया था, पर अनुराग ने यक्षिणी की कहानी बिल्कुल नहीं लिखी थी। बस वो पहला चैप्टर लिखा था जो प्रशांत के पास रह गया था, उसके सिवा अभी तक कुछ नहीं लिखा था। इस एक महीने से ज्यादा के वक्त में एक भी दिन अनुराग ने अपनी पत्नी चित्रा और अपने बेटे युग को याद नहीं किया था। उनका उसे ख्याल तक नहीं आया था। वो अपनी कहानी और यक्षिणी के प्यार में उन्हें भूल सा गया था। अनुराग को लगता था कि उसकी जिंदगी में यक्षिणी और उसकी कहानियां ही सब कुछ है और कोई है ही नहीं। एक रात जब अनुराग यक्षिणी से कहानी सुनकर कुछ देर अकेले बैठता है और अपने पिता ब्रजेश्वर का दिया हुआ काला पेन अपने हाथ में पकड़ता है, तो उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि वो अपनी जिंदगी के मकसद से बहुत पीछे जाते जा रहा था। अगर ऐसे ही चलते रहा तो वो कभी एक महान लेखक नहीं बन पाएगा, अपनी जिंदगी में कभी उस चीज को हासिल नहीं कर पाएगा जो वो करना चाहता था। इसलिए उसने यक्षिणी की कहानी पर वापस से ध्यान देना शुरू कर दिया। यक्षिणी ने जितने भी किस्से उसे बताए थे, जितने भी किरदारों के बारे में बताया था, उनकी एक लिस्ट बनाने लग गया था और यक्षिणी की कहानी में उन किरदारों की क्या अहम भूमिका थी लिखने लग गया था। अभी अनुराग को यक्षिणी की कहानी के किरदारों की लिस्ट बनाते हुए 2-3 दिन ही गुजरे थे कि पता नहीं उसे क्या हो गया था। वो जब भी लिखने बैठता था उसकी आंखों के सामने चित्रा का चेहरा आ जाता था, जिस कारण उसे वापस से एहसास होने लग गया था कि शहर में उसकी एक पत्नी और एक बेटा भी है जो उसके लौटने का इंतजार कर रहे होंगे। अनुराग को अपने बेटे युग की याद आने लग गई थी, पर वो ये बात अच्छे से जानता था कि बिना कहानी लिखे वो शहर वापस नहीं लौट सकता था। अनुराग अपने कमरे में बैठा हुआ था और टाइपराइटर पर कहानी लिखने की कोशिश कर रहा था, पर हमेशा की तरह उसकी उंगलियां तो टाइपराइटर पर टिकी हुई थी, पर वो कुछ टाइप नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो जब भी टाइपराइटर के बटनों से अपनी उंगलियां उठाता तो उसकी आंखों के सामने चित्रा का चेहरा आ जाता, जिस कारण वो कुछ टाइप नहीं कर पाता। काफी देर से अनुराग अपनी उंगलियां टाइपराइटर पर ही जमा कर रखे हुए था। यक्षिणी भी उसी कमरे में बैठी हुई थी जो अपनी नजरें अनुराग पर ही टिकाए हुए थी। अनुराग का चेहरा देखकर यक्षिणी समझ गई थी कि अनुराग काफी परेशान था, जिस कारण वो लिख नहीं पा रहा था। यक्षिणी बड़े प्यार से अनुराग से कहती है, लेखक बाबू, कहानी लिखने के लिए आपको अपनी उंगलियां चलानी पड़ेंगी, कोई अपने आप कहानी टाइप नहीं हो जाएगी। अनुराग मायूसी के साथ पलट कर कहता है, काश यक्षिणी ऐसा होता तो कितना अच्छा होता ना कि ये टाइपराइटर अपने आप कहानी टाइप करता। यक्षिणी टाइपराइटर को एकटक देखते हुए कहती है, काश क्या लेखक बाबू, ऐसा हो सकता है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। यक्षिणी टाइपराइटर को एकटक देखते हुए कहती है, काश क्या लेखक बाबू, ऐसा हो सकता है। जैसे ही यक्षिणी ये बात बोलती है, अनुराग हड़बड़ाहट के साथ यक्षिणी से कहता है, क्या कहा यक्षिणी तुमने, ऐसा हो सकता है। यक्षिणी हामी भरते हुए कहती है, हाँ लेखक बाबू, जादू से क्या नहीं हो सकता है, पर मैं ऐसा करूंगी नहीं। अनुराग हैरानी के साथ यक्षिणी से पूछता है, तुम ऐसा नहीं करोगी, पर क्यों यक्षिणी, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं लेखक बनूं? यक्षिणी पलट कर कहती है, मैं तो आपके बचपन से चाहती हूं लेखक बाबू कि आप एक महान लेखक बने। आखिर बचपन में आपने मुझसे वादा जो किया था मेरी कहानी लिखने का, पर मैं नहीं चाहती आप इस तरह जादू से मेरी कहानी लिखें। अनुराग खामोश रहता है, पलट कर यक्षिणी से कुछ नहीं कहता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो यक्षिणी से नाराज हो गया था, क्योंकि यक्षिणी ने उसे मना जो कर दिया था। यक्षिणी बेड पर से उठती अनुराग के पास जाती है और उसके कंधों को सहलाते हुए कहती है, आपको पता है लेखक बाबू, ये जो जादू चीज होती है बड़ी ही बुरी चीज होती है। अगर ये हमें दुनिया की सारी चीजें दिलवा देती है तो हमारी जिंदगी से कोई ऐसी चीज छीनती भी है जो हमारे दिल के सबसे करीब होती है। अनुराग अभी भी चुप ही रहता है, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि यक्षिणी उसे क्या समझाना चाहती थी। यक्षिणी कुछ सोचते हुए कहती है, आपको नहीं पता लेखक बाबू, पर सच तो यह है जादू का असर
एक ना एक दिन खत्म हो ही जाता है, चाहे किसी की बलि देकर ही वो जादू क्यों ना किया गया हो। इतना कहकर यक्षिणी अनुराग के कंधों को सहलाते हुए उसके सामने आती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, पर कला के जादू का असर कभी खत्म नहीं होता लेखक बाबू। कला अपने आप में एक बहुत बड़ा जादू है जिसका कोई तोड़ नहीं है, उसे बस निखारने की जरूरत होती है और मुझे आपकी आंखों में वो कला साफ दिखाई देती है। एक दिन आप महान लेखक बनेंगे लेखक बाबू, देख लेना। अनुराग चिढ़ते हुए कहता है, पर कब यक्षिणी, कब आएगा वो दिन? एक महीने से ज्यादा वक्त हो गया है पर अब तक कुछ नहीं लिख पाया हूं मैं। यक्षिणी बड़े प्यार से कहती है, मैंने कहा ना लेखक बाबू, आपको बस अपनी कला को निखारने की जरूरत है और आप वही कर रहे हैं। पहले मन एकाग्र करके बैठना सीखिए, जिस दिन आपने मन एकाग्र करना सीख लिया उस दिन आप लिखना भी सीख जाएंगे, देखना आप खुद। अनुराग और ज्यादा चिढ़ते हुए कहता है, कैसे करूं मन एकाग्र यक्षिणी, तुम ही बताओ। जब भी कुछ लिखने के बारे में सोचता हूं अपनी उंगलियां टाइपराइटर से उठाता ही हूं कि चित्रा। अनुराग इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही वो खुद चुप हो जाता है। उसे एहसास हो गया था कि उसे चित्रा का नाम यक्षिणी के सामने नहीं लेना चाहिए था। यक्षिणी गंभीर होते हुए अनुराग से पूछती है, चित्रा क्या लेखक बाबू, आप रुक क्यों गए, अपनी बात पूरी कीजिए। अनुराग यक्षिणी से अपनी नजरें चुराते हुए खामोश रहने की कोशिश ही करता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। उसकी समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। यक्षिणी अनुराग पर दबाव बनाते हुए फिर उससे पूछती है, मैं कुछ पूछ रही हूँ लेखक बाबू, चित्रा का क्या, आप क्या बोल रहे थे चित्रा के बारे में। अनुराग यक्षिणी को सब कुछ सच सच बताते हुए कहता है, वो यक्षिणी बात ये है ना कि पिछले 2-3 दिनों से जब भी मैं लिखने बैठता हूँ तो मेरी आंखों के सामने बार बार चित्रा का चेहरा आ जाता है, जिस वजह से मैं कुछ लिख ही नहीं पा रहा हूँ। यक्षिणी खुद हैरान होते हुए कहती है, क्या कहा आपने लेखक बाबू, मेरी कहानी लिखते वक्त आपकी आंखों के सामने चित्रा का चेहरा आ जाता है। अनुराग अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, हाँ यक्षिणी, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यक्षिणी अनुराग को घूरते हुए कहती है, कहीं आप मुझसे ज्यादा उस चित्रा से प्यार तो नहीं करते ना लेखक बाबू। अनुराग तुरंत बौखलाहट के साथ बोल पड़ता है, नहीं नहीं यक्षिणी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सच कहता हूँ, मेरे दिल में तुम ही बसी हुई हो यक्षिणी, सिर्फ दिल में नहीं बल्कि धड़कन में भी, मेरी हर सांस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। यक्षिणी अनुराग को एकटक देखते हुए पूछती है, फिर मेरी कहानी लिखते वक्त आपके मन में बार बार उस चित्रा का ख्याल क्यों आ रहा है। अनुराग परेशान होते हुए जवाब देता है, मुझे खुद नहीं पता यक्षिणी, मैं खुद इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यक्षिणी खामोशी रहती है, उसे अनुराग की आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी और वो समझ गई थी कि अनुराग उससे सच बोल रहा था। यक्षिणी कुछ सोच पाती या अंदाजा लगा पाती कि अनुराग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अनुराग का मोबाइल बजने लग जाता है। जब यक्षिणी की नजर उसके मोबाइल पर पड़ती है तो वो हैरान रह जाती है। सिर्फ यक्षिणी ही नहीं बल्कि अनुराग भी शॉक्ड रह गया था। अनुराग की जान हलक में आ गई थी। अनुराग को किसी और का नहीं बल्कि चित्रा का फोन आया था, वो भी पूरे 1 महीने के बाद। वरना अनुराग ने तो चित्रा से तब से बातें नहीं करी थी जब से वो ग्रेवयार्ड कोठी में रहने आया था। अनुराग मोबाइल हाथ में पकड़ते हुए कहता है, चित्रा की कितनी लंबी उम्र है, देखो हम उसके बारे में बात ही कर रहे थे और उसका कॉल आ गया। जब अनुराग ये बात बोलता है तो यक्षिणी अनुराग को गुस्से के साथ घूरने लग जाती है। अनुराग अपनी बात को संभालते हुए कहता है, मेरा मतलब है कि चित्रा की भी डायन की तरह लंबी उम्र है, तभी तो यक्षिणी तुम खुद देखो, चित्रा का नाम लेते ही उसका कॉल आ गया। यक्षिणी अनुराग को गुस्से के साथ घूरते हुए कहती है, फोन उठाइए लेखक बाबू, जरा मैं भी तो देखूं, इतने दिनों बाद आपकी पत्नी को आपकी याद कैसे आ गई। अनुराग कांपते हुए हकलाहट के साथ कहता है, हाँ हाँ अभी उठाता हूँ यक्षिणी। इतना कहकर अनुराग फोन रिसीव करते हुए कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से चित्रा की आवाज आती है, हेलो अनुराग जी, कैसे हैं आप। जब अनुराग इतने दिनों बाद चित्रा की आवाज सुनता है तो बस उसका ही होकर रह जाता है। एक पल में उसकी आंखों के सामने से वो सारी यादें गुजर जाती हैं जो उसने चित्रा के साथ बिताई थी। उसे याद आने लग जाता है कि चित्रा उसे कैसे मिली थी, किस तरह उसने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, साथ ही किस तरह वो दोनों शादी के बंधन में बंधे थे। अनुराग वापस से उन पलों में खो गया था। यक्षिणी को भी अनुराग की आंखों में चित्रा के लिए जागता हुआ प्यार दिखने लग गया था।
जब अनुराग कुछ नहीं कहता तो मोबाइल के अंदर से फिर चित्रा की आवाज आती है। हेलो अनुराग जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? अनुराग यादों में से बाहर आते हुए कहता है, हाँ दे रही है चित्रा, तुम बोलो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनुराग एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुम कैसी हो चित्रा? अनुराग की ये बात बोलते ही यक्षिणी अनुराग को और ज्यादा गुस्से के साथ घूरने लग जाती है। अनुराग यक्षिणी से नजरें चुराने लग जाता है। अनुराग और चित्रा के बीच फोन कॉल पर बातें होने लग जाती है। जैसे जैसे अनुराग और चित्रा के बीच बातें होते जा रही थी, अनुराग के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। उसके चेहरे पर घबराहट, एक डर नजर आने लग गया था। उसकी आंखें नम होने लग गई थी। अनुराग चित्रा से बात करते हुए कहता है, मैं आ रहा हूँ चित्रा, तुम घबराओ मत, तुम अकेली नहीं हो, मैं आ रहा हूँ, मैं बस अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। इतना कहकर अनुराग फोन कट कर देता है। जैसे ही अनुराग फोन रखता है, वो घबराते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। यक्षिणी हैरानी के साथ अनुराग से पूछती है, जाना होगा पर कहाँ लेखक बाबू? अनुराग पलट कर जवाब देता है, अपने घर यक्षिणी। जैसे ही अनुराग ये बात बोलता है, यक्षिणी के दिल को एक गहरा झटका लगता है और वो एकदम शांत हो जाती है। अनुराग फिर खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे अपने घर जाना होगा यक्षिणी, अपनी बीवी बच्चे के पास। यक्षिणी एक नम लहजे के साथ अनुराग से पूछती है, अगर आप अपने घर जा रहे हैं लेखक बाबू, तो अब तक आप कहाँ थे? ये ग्रेवयार्ड कोठी क्या थी आपके लिए, और मैं कौन हूँ फिर आपकी? जब अनुराग ये बात यक्षिणी के मुंह से सुनता है तो उसे एहसास हो जाता है कि उसने थोड़ी देर पहले यक्षिणी से जो बात कही थी वो उसे नहीं बोलना चाहिए था। अनुराग अपनी परेशानी यक्षिणी को बताते हुए कहता है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था यक्षिणी, मुझे माफ कर दो, मेरे लिए तो तुम ही मेरी सब कुछ हो, पर मेरे बेटे युग की तबीयत बहुत खराब है, वो ICU में भर्ती है, मुझे जाना होगा। यक्षिणी हैरानी के साथ घबराते हुए कहती है, क्या कहा आपने लेखक बाबू, युग ICU में भर्ती है? अनुराग बौखलाहट के साथ कहता है, हाँ यक्षिणी, वो भी पिछले 3 दिनों से, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो बहुत क्रिटिकल स्टेज पर है, यक्षिणी मुझे जाना होगा। जैसे ही अनुराग वहाँ से जाने की बात बोलता है, अनुराग का एक बाल नीले रंग में चमकने लग जाता है। वो वही बाल था जिससे यक्षिणी का बाल बंधा हुआ था, जो यक्षिणी ने बिसाहा करते वक्त बांधा था। यक्षिणी उस नीले रंग में चमकते हुए बाल को देखते हुए कहती है, पर लेखक बाबू, वो बिसाहा जो आपने मुझसे किया था उसका क्या? जैसे ही यक्षिणी ये बात बोलती है, अनुराग को यक्षिणी के साथ किया हुआ बिसाहा याद आने लग जाता है। अनुराग उस बिसाहा को याद करते हुए अचानक से मायूस होते हुए कहता है, हाँ यक्षिणी, मैंने तो तुम्हारे साथ बिसाहा किया था, मैं कैसे जा सकता हूँ? अनुराग का चेहरा बुरी तरह उतर गया था और यक्षिणी कभी अनुराग को मायूस नहीं देख सकती थी। जिससे आप प्यार करते हैं उसे आप कभी उदास नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यक्षिणी भी अनुराग से बहुत प्यार करती थी, वो प्यार उसकी आंखों में साफ झलकता था। अनुराग और मायूस होता या कुछ कहता, उससे पहले ही यक्षिणी खुद ही बोल पड़ती है, आप जा सकते हैं लेखक बाबू अपने बेटे युग से मिलने के लिए, इस वक्त मुझसे ज्यादा उसे आपकी जरूरत है, वैसे भी मैं अभिशापित हूँ, आप थोड़ी, मैं तो बंधी हुई हूँ इस जगह से, ग्रेवयार्ड कोठी से, किश्नोई नदी से, इस लोक से, आप तो आजाद हैं, आप जहाँ चाहे आ जा सकते हैं। अनुराग हल्की सी हिचकिचाहट के साथ कहता है, पर यक्षिणी बिसाहा? यक्षिणी बड़े नम लहजे के साथ कहती है, उसकी चिंता आप मत कीजिए लेखक बाबू, कुछ नहीं होगा, वैसे भी आप मुझे हमेशा के लिए थोड़ी छोड़कर जा रहे हैं, कुछ दिनों की तो बात है, कुछ दिनों के बाद तो आप खुद वापस आ जाएंगे, है ना? यक्षिणी अनुराग का जवाब सुनने का इंतजार करते हुए उसकी तरफ देखने लग जाती है, पर अनुराग कुछ जवाब नहीं देता है, वो किसी और ही सोच में खोया हुआ था। यक्षिणी अनुराग पर दबाव बनाते हुए फिर उससे कहती है, मैं कुछ पूछ रही हूँ लेखक बाबू आपसे, आप कुछ दिनों के बाद वापस आ जाएंगे ना? अनुराग तुरंत हड़बड़ाहट के साथ यक्षिणी को एकटक देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ यक्षिणी, तुम्हारी कहानी लिखने तो आखिर में मुझे तुम्हारे पास आना ही है, मैं भी तुमसे ज्यादा दिन दूर थोड़ी रह सकता हूँ, जैसे ही युग ठीक होगा मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। यक्षिणी बड़े प्यार से कहती है, युग जल्द ठीक हो जाएगा लेखक बाबू, देखना। इतना कहकर यक्षिणी अपना सीधा हाथ आगे करती है और मन ही मन कोई सा मंत्र बड़बड़ाती है।
और देखते ही देखते एक सफेद रोशनी के साथ उसकी हथेली पर एक सफेद कांच की छोटी सी बोतल आ जाती है। उस बोतल का साइज एक इंसान की चींटी उंगली से भी आधा होगा। यक्षिणी अपनी उंगली से अपनी बाईं आंख का काजल निकालती है और उस बोतल के अंदर भरने लग जाती है। जैसे ही यक्षिणी अपनी उंगली उस बोतल में रखती है, यक्षिणी की बाईं आंख का काजल पूरी तरह उसकी आंख में से गायब हो जाता है। उसकी बाईं आंख पूरी तरह कोरी हो जाती है। यक्षिणी अपनी दाईं आंख के साथ भी यही करती है। वो अपनी दाईं आंख का काजल निकालती है और उस कांच की बोतल में भर देती है। यक्षिणी की दोनों आंखें कोरी हो गई थी। उन आंखों का पूरा काजल उस सफेद बोतल के अंदर था। अनुराग के बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि यक्षिणी ये क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी। यक्षिणी वो कांच की बोतल अनुराग को देते हुए कहती है, ये लीजिए लेखक बाबू, इसे अपने पास संभाल कर रख लीजिए। अनुराग हैरानी के साथ उस बोतल को देखते हुए कहता है, ये क्या है यक्षिणी? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अनुराग हैरानी के साथ उस बोतल को देखते हुए कहता है, ये क्या है यक्षिणी? यक्षिणी अनुराग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, ये मेरा काजल है लेखक बाबू। अनुराग तुरंत बोल पड़ता है, वो तो मुझे भी पता है यक्षिणी की ये काजल है। अभी तुमने इसे मेरे सामने अपनी आंखों से निकाला, पर तुम ये मुझे। अनुराग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही यक्षिणी उसे बीच में टोकते हुए कहती है, लेखक बाबू, जैसा आप समझ रहे हैं ये वैसा काजल नहीं है, ये कोई आम काजल नहीं है। अनुराग हैरानी के साथ यक्षिणी से पूछता है, अगर ये आम काजल नहीं है तो फिर कौन सा काजल है यक्षिणी? यक्षिणी अनुराग की आंखों में देखते हुए कहती है, ये मेरा काजल है लेखक बाबू, एक यक्षिणी का काजल। वो यक्षिणी जो अपने अभिशाप के कारण डायन बन चुकी है। अगर आप इसे एक डायन का काजल कहेंगे तो भी ये गलत नहीं होगा। अनुराग मुंह बनाते हुए कहता है, यक्षिणी ये डायन का काजल हो या यक्षिणी का क्या फर्क पड़ता है? मेरी तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये काजल तुम मुझे क्यों दे रही हो। यक्षिणी कहती है, ये आपके लिए नहीं है लेखक बाबू। अनुराग अपने दोनों भवें ऊपर करते हुए हैरानी के साथ यक्षिणी से पूछता है, फिर किसके लिए है यक्षिणी? अनुराग आगे की बात कुछ हिचकिचाहट के साथ कहता है, क्या ये चित्रा के? यक्षिणी अनुराग को बीच में ही टोकते हुए कहती है, नहीं लेखक बाबू, ये चित्रा के लिए भी नहीं है। अनुराग फिर कुछ कहता उससे पहले ही यक्षिणी लंबी सांस छोड़ते हुए कहती है, ये युग के लिए है। अनुराग मुंह बनाते हुए हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा यक्षिणी तुमने, युग के लिए? यक्षिणी हामी भरते हुए कहती है, हाँ लेखक बाबू, युग के लिए। अनुराग खामोश खड़ा रहता है। यक्षिणी अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, आपको नहीं पता लेखक बाबू, लेकिन एक डायन के काजल में बहुत शक्ति होती है, इतनी शक्ति कि वो किसी की जान भी बचा सकती है। आप इस काजल को अपने बेटे युग की आंखों में लगा देना, फिर देखना वो कितनी जल्दी ठीक होता है। उसके ऊपर जितनी भी बुरी बलाएं होंगी सारी इस काजल को लगाते ही उससे दूर हो जाएंगी। युग इससे जल्दी ठीक हो जाएगा। जब अनुराग यक्षिणी के मुंह से ये बात सुनता है तो उसके दिल में यक्षिणी के लिए प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसने किसी किताब में पढ़ा था कि डायने अपना काजल किसी को नहीं देती हैं, उससे वो कमजोर होती हैं। पर यक्षिणी उसके बेटे के लिए अपना काजल भी उसे देने के लिए खुद से तैयार हो गई थी। अनुराग को यक्षिणी की आंखों में युग के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। वो भी उतनी ही घबराई हुई थी जितना खुद अनुराग घबराया हुआ था। अनुराग यक्षिणी के हाथ से वो काजल को अपने हाथ में थामते हुए बड़े प्यार से कहता है, तुम सच में देवी हो यक्षिणी, जो मेरे युग के लिए इतना सब कर रही हो। यक्षिणी भी बड़े प्यार से अनुराग की बात का जवाब देते हुए कहती है, लेखक बाबू, युग सिर्फ आपका बेटा थोड़ी है, वो तो मेरा भी है। अनुराग पलट कर कहता है, यक्षिणी तुम सच में बहुत अच्छी हो, वैसी बिल्कुल नहीं हो जैसा लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं। यक्षिणी बात को बदलते हुए बोल पड़ती है, लेखक बाबू, अब आप यहीं पर खड़े रहकर मेरी तारीफ करते रहेंगे कि जाएंगे भी? जाइए, इस वक्त सिर्फ युग को नहीं चित्रा को भी आपकी जरूरत है, वो अकेली होगी, पता नहीं कैसे सब कुछ संभाल रही होगी। अनुराग पलट कर कहता है,
हाँ बस जा रहा हूँ यक्षिणी, जब तुम्हें देखता हूँ तो अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाता हूँ, जैसे मेरी सारी परेशानियों का हल तुम ही हो। यक्षिणी कहती है, बस कीजिए लेखक बाबू, अब आप कितनी तारीफ करेंगे मेरी, मैं इतनी भी तारीफ की हकदार नहीं हूँ जितनी आप बात बात पर कर देते हैं। आप न चलिए अपने कमरे में, आपको अपना सामान भी तो पैक करना होगा ना जाने के लिए। अनुराग तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ हाँ करना है ना। यक्षिणी तुम कैसी बात कर रही हो, बिना सामान के कैसे जाऊंगा मैं। यक्षिणी अनुराग का हाथ पकड़ते हुए कहती है, तो यहाँ पर आप खड़े क्या हैं, चलिए मेरे साथ चलिए और अपना सामान पैक कीजिए। इतना कहकर यक्षिणी कसकर अनुराग का हाथ थाम लेती है और अनुराग को लिविंग रूम में ले जाती है। वहीं पर अनुराग का सारा सामान बिखरा हुआ था, कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं थी। अनुराग ऐसा ही था, कपड़े पहनने के लिए निकालता था और उसे कहां पर रख देता था खुद ही भूल जाता था। वो कभी कोई सामान अपनी जगह पर जमा कर नहीं रखता था। उस कमरे में जाते ही अनुराग बौरा जाता है, वो हर काम में जल्दी जल्दी करने लगता है और इसका नतीजा ये होता है कि एक काम ढंग से नहीं कर पाता है। हड़बड़ाहट के कारण उसे तो उसका वो काला बैग भी नजर नहीं आ रहा था जिसके अंदर उसे अपने कपड़े पैक करने थे। अनुराग अलमारी के आसपास का सामान हटाते हुए कहता है, मेरा बैग कहाँ चले गया, यहीं पर तो रखा था उसे मैंने। अनुराग अपना बैग ढूंढ पाता उससे पहले ही यक्षिणी उसका बैग ढूंढ लेती है जो बेड के नीचे रखा हुआ था। यक्षिणी उस बैग को बेड के नीचे से निकालती है और अनुराग को देते हुए कहती है, ये रहा आपका बैग लेखक बाबू, आप ना सामान रखते कहीं और हैं और ढूंढते कहीं और हैं। अनुराग तुरंत उस काले बैग की चेन खोलता है और उसके अंदर अपना सामान रखने लग जाता है। अनुराग के हाथ जो शर्ट लग रही थी, जो पैंट लग रही थी, उसे बिना जमाए ही अनुराग बस उन्हें बैग के अंदर बेढंग तरीके से ठूसते जा रहा था, जो यक्षिणी को बहुत अजीब लग रहा था। अनुराग अपने बैग में ऐसे सामान भर रहा था जैसे किसी पॉलीथीन के अंदर कचरा भर रहा हो। ये सब यक्षिणी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो तुरंत अनुराग के पास जाती है और उस पर चिढ़ते हुए कहती है, ये सब आप क्या कर रहे हैं लेखक बाबू। अनुराग अभी भी अपने बैग में बेढंग तरीके से तौलिया भरते हुए कहता है, अपना सामान पैक कर रहा हूँ यक्षिणी, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या। यक्षिणी पलट कर कहती है, आप सामान पैक कर रहे हैं या अपने बैग में कचरा भर रहे हैं, ऐसे कोई कपड़े भरता है क्या। अनुराग कहता है, मुझे पता है यक्षिणी, पर क्या करूं, मुझे जल्दी से जल्दी स्टेशन पहुंचना है, अब जल्दबाजी का काम तो ऐसा ही होता है ना। यक्षिणी कहती है, आप जल्दी भी स्टेशन पहुंचकर क्या करेंगे लेखक बाबू, आपकी ट्रेन 3 घंटे बाद आएगी, जब तक सामान ही अच्छे से पैक कर लीजिए जब वक्त है तो। अनुराग पलट कर कुछ कहता उससे पहले यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, आप ना रह नहीं दीजिए, मैं ही आपका सामान पैक कर देती हूँ, मुझे नहीं लगता आपने कभी अपना सामान पैक किया भी होगा। इतना कहकर यक्षिणी अनुराग के हाथ से उसका काला बैग ले लेती है और एक ही बार में उसका सारा सामान बाहर निकाल देती है। यक्षिणी बड़े प्यार से अनुराग के कपड़ों को ठीक करते हुए उसके बैग के अंदर भरने लग जाती है। अनुराग एकटक यक्षिणी को ही देखे जा रहा था, जो यक्षिणी ने अपनी तिरछी नजरों से देख लिया था। यक्षिणी अनुराग के शर्ट को ठीक करते हुए कहती है, लेखक बाबू आप ना बैठ जाइए, थोड़ी देर और आराम कीजिए, वरना ऐसे ही आप मुझे देखते रहे तो मैं भी अपना काम नहीं कर पाऊंगी ठीक से। अनुराग बेड पर जाकर बैठ जाता है और यक्षिणी अनुराग का सामान व्यवस्थित तरीके से उसके बैग में पैक करते रहती है। बेड पर बैठने के बाद भी अनुराग शांत नहीं बैठता है, वो बार बार अपने पैर आगे पीछे हिलाए जाता है जैसे वो इंतजार कर रहा हो कि जल्दी से जल्दी यक्षिणी उसका सामान पैक करे और वो वहां से जा पाए, भले ही उसे स्टेशन पर इंतजार क्यों न करना पड़ जाए, पर वो जल्द से जल्द स्टेशन पहुंचना चाहता था। उसे अपने बेटे युग से मिलने की बहुत जल्दी थी, आखिर वो पूरे 1 महीने से भी ज्यादा वक्त के बाद अपने बेटे को देखने वाला था। यक्षिणी अनुराग का सामान पैक करते हुए ही उससे कहती है, मुझे आप पर बहुत प्यार आ रहा है लेखक बाबू। अनुराग अपनी भवे ऊपर करते हुए यक्षिणी से पूछता है, मुझ पर प्यार आ रहा है, पर क्यों यक्षिणी, ऐसा क्या हो गया। यक्षिणी अनुराग को देखते हुए जवाब देती है, लेखक बाबू आपकी ये बेचैनी देखकर और आपको देखकर कोई भी बता सकता है कि आपका मन इस वक्त आपके पास नहीं है, वो आपके बेटे युग में लगा हुआ है, आप अपने बेटे युग से बहुत प्यार करते हैं ना। अनुराग युग को याद करते हुए कहता है, कौन पिता अपने बेटे से प्यार नहीं करता यक्षिणी, इस संसार का हर पिता अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, बस कभी उसे जाहिर नहीं होने देता है। यक्षिणी पलट कर कहती है, माना लेखक बाबू हर पिता अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, पर आपसे ज्यादा नहीं,
हर पिता आपकी तरह अपने सपने को इस तरह छोड़कर अपने बेटे के पास तो नहीं जाता ना। अनुराग खामोश रहता है, चुपचाप यक्षिणी की बातें सुनते रहता है। यक्षिणी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, आप अपने सपने को पूरा करने के लिए ही तो यहाँ पर आए थे ना, और बताइए अपने बेटे की एक खबर सुनकर वापस जा रहे हैं, सिर्फ अपने बेटे के लिए। वरना कुछ मर्द तो पैसे कमाने के लालच में इतना खो जाते हैं कि अपने बेटे परिवार को ही भूल जाते हैं। आप सच में एक बहुत अच्छे पिता हैं लेखक बाबू, जो अपने बेटे के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। काश हमारी भी कोई औलाद होती जिसे मैंने अपनी कोख से जन्म दिया होता, और आप उसे भी इसी तरह पिता का प्यार दे पाते, और आप उसे भी इसी तरह पिता का प्यार दे पाते, और मैं एक माँ का। जैसे ही यक्षिणी ये बात बोलती है, कमरे के अंदर अचानक से खामोशी छा जाती है। यक्षिणी की बात सुनकर अनुराग समझ गया था कि यक्षिणी क्या चाहती थी। अनुराग यक्षिणी को देखकर मन ही मन कुछ सोचता है और एक फैसला लेते हुए कहता है, हाँ क्यों? अनुराग इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही यक्षिणी ना में अपना सिर हिलाते हुए एक डर के साथ कहती है, नहीं नहीं, हमारी कभी कोई औलाद नहीं होनी चाहिए। अनुराग हैरानी के साथ यक्षिणी से पूछता है, ये तुम क्या बोल रही हो यक्षिणी? यक्षिणी अपनी बात पर कायम रहते हुए कहती है, वही लेखक बाबू जो आपने सुना, हमारी कभी कोई औलाद नहीं होनी चाहिए। अनुराग झट से पूछता है, पर क्यों यक्षिणी? यक्षिणी जवाब देती है, मेरे अभिशाप के कारण लेखक बाबू। अनुराग अपनी भंवे ऊपर करते हुए कहता है, तुम्हारे अभिशाप के कारण मतलब? यक्षिणी कहती है, आपको पता है न लेखक बाबू, महाडायन ने मुझे क्या अभिशाप दिया था। अनुराग कुछ याद करते हुए कहता है, यही ना कि तुम्हें हर पूर्णिमा अमावस्या की रात एक नए मर्द के साथ सोना होगा, उसके साथ संभोग करना पड़ेगा, और संभोग करने के बाद उसका रक्त पीना होगा। उसके रक्त से ही तुम्हें सांसें मिलेंगी। तुम्हें मर्दों के दिल का भोग लगाना पड़ेगा, उसे खाना होगा, जिससे तुम्हें तुम्हारा यौवन वापस मिलेगा। संभोग करने के बाद भी तुम्हारी हवस कभी खत्म नहीं होने वाली, वो हवस वक्त के साथ बढ़ती जाएगी। जो दर्द महाडायन ने भोगा है वो दर्द तुम्हें भी भोगना होगा। अनुराग ने इतना ही कहा था कि तभी यक्षिणी उसे बीच में टोकते हुए कहती है, सिर्फ मुझे नहीं भोगना होगा लेखक बाबू, मेरी औलाद को भी भोगना पड़ेगा। अनुराग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा यक्षिणी? क्या कहा यक्षिणी तुमने, औलाद? यक्षिणी नम आंखों के साथ नम लहजे में ही कहती है, हाँ लेखक बाबू, औलाद। महाडायन ने जो अभिशाप मुझे दिया था वो अभिशाप मेरे अंश को भी लगेगा, मेरी कोख से जन्मी हुई संतान को भी। इसलिए ये अभिशाप है कोई श्राप नहीं, जो मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही खत्म हो जाए। ये अभिशाप मेरी आने वाली पीढ़ी को भी भोगना पड़ेगा। यक्षिणी की बातों ने अनुराग के दिल को दहला कर रख दिया था। उसे नहीं पता था कि अभिशाप इतना बुरा हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी की जिंदगी तक खराब कर दे। यक्षिणी रोते हुए कहती है, मैं नहीं चाहती कि जो दर्द मैंने भोगा है वो मेरी औलाद भी भोगे, वो भी मेरी तरह हर पूर्णिमा हर अमावस्या की रात किसी मर्द के साथ। इतना कहकर यक्षिणी खुद चुप हो जाती है, जैसे इसके आगे के शब्द बोलने में उसे खुद शर्म आ रही हो। अनुराग कुछ सोचते हुए कहता है, यक्षिणी अभिशाप तो तुम्हारी कोख से जन्मी लड़की को भोगना पड़ेगा ना, लेकिन अगर तुम्हारी कोख से किसी लड़के ने जन्म लिया तो? यक्षिणी पलट कर कहती है, तो उसे भी ये अभिशाप भोगना पड़ेगा लेखक बाबू, फिर उसे स्त्रियों के साथ हर अमावस्या और पूर्णिमा को सोना पड़ेगा, उनका शिकार करना पड़ेगा। लड़का हो चाहे लड़की, अभिशाप तो दोनों को भोगना पड़ेगा, आखिर उनमें मेरा अंश जो होगा। इतना कहकर यक्षिणी रोने लग जाती है। अनुराग अपने हाथों से यक्षिणी के आंसू पोंछते हुए कहता है, तुम रो मत यक्षिणी, तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। देखना, एक दिन तुम्हारा ये अभिशाप जरूर खत्म होगा। अगर दुनिया में अभिशाप है तो उसके कोई ना कोई तोड़ भी है, और मैं उसे एक दिन जरूर ढूंढ लूंगा, और फिर देखना तुम, हमारी भी औलाद होगी। यक्षिणी अनुराग को बड़े प्यार से देखते हुए कहती है, सच में लेखक बाबू, हमारी भी कोई औलाद होगी। अनुराग यक्षिणी को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, हाँ मेरी यक्षिणी, हमारी भी औलाद होगी, जिसका जन्म तुम्हारी कोख से होगा, देखना तुम। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।
अनुराग यक्षिणी को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, हाँ मेरी यक्षिणी, हमारी भी औलाद होगी जिसका जन्म तुम्हारी कोख से होगा, देखना तो। अनुराग के मुंह से ये बात सुनकर यक्षिणी को अनुराग पर और ज्यादा प्यार आने लग जाता है और वो भी झट से अनुराग से लिपट जाती है, उसे अपनी बाहों के आगोश में भरने लग जाती है। कुछ ही देर में यक्षिणी अनुराग के बैग में उसकी सारी जरूरतों का सामान पैक कर देती है। अनुराग और यक्षिणी हॉल में खड़े हुए थे। यक्षिणी ने अपने हाथ में अनुराग का बैग पकड़कर रखा हुआ था। अनुराग ग्रेवयार्ड कोठी से जाने के लिए तैयार हो गया था। यक्षिणी और अनुराग दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे, जैसे दोनों का ही मन ना हो एक दूसरे से अलग होने का। कुछ देर तक दोनों ही एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे, पर अगले ही पल यक्षिणी अनुराग के हाथ में उसका बैग थमाते हुए कहती है, अब जाइए लेखक बाबू, वरना आपकी ट्रेन छूट जाएगी। अनुराग पलट कर कहता है, यक्षिणी तुम मुझे बाहर तक छोड़ने नहीं चलोगी? यक्षिणी नम आंखों के साथ कहती है, नहीं लेखक बाबू, मैं बाहर तक आपको छोड़ने नहीं आऊंगी, आपके वापस आने तक यहीं पर रहूंगी, इसी ग्रेवयार्ड कोठी में आपकी यादों के साथ। मैं आपके वापस आने का इंतजार करूंगी लेखक बाबू, जल्दी वापस आइएगा। अनुराग यक्षिणी के हाथ से अपना बैग लेते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो यक्षिणी, युग की तबीयत ठीक होते ही मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। तुम्हारी अधूरी कहानी को पूरा जो करना है मुझे, न मैं कभी तुम्हें छोड़ सकता हूँ न तुम्हारी कहानी को। इतना कहकर अनुराग एक आखिरी बार यक्षिणी के गले मिलता है, उसके माथे पर प्यार से चुंबन देता है और वहां से जाने लग जाता है। अनुराग ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकलता है और ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे पर एक बड़ा सा पीतल का ताला लगाने लग जाता है। इससे पहले अनुराग जब ग्रेवयार्ड कोठी से जाता था तो वो कभी भी ग्रेवयार्ड कोठी में ताला लगाकर नहीं जाता था, क्योंकि उसे लगता था कि ग्रेवयार्ड कोठी में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई चुराएगा। पर इस बार अनुराग जानबूझकर ग्रेवयार्ड कोठी में ताला लगाकर जा रहा था, क्योंकि इस बार वो ग्रेवयार्ड कोठी में अपनी सबसे अनमोल चीज छोड़कर जा रहा था, जो कोई और नहीं यक्षिणी थी, जो सिर्फ उसके लिए उसकी कहानी ही नहीं थी बल्कि जिंदगी भी थी। अनुराग ये बात अच्छे से जानता था कि जब वो शहर जाएगा तो यक्षिणी उसका ग्रेवयार्ड कोठी में ही इंतजार करेगी और कहीं नहीं जाएगी। आखिर ग्रेवयार्ड कोठी ही तो यक्षिणी की तन्हाइयों का ठिकाना बन चुका था। अनुराग नहीं चाहता था कि उसकी गैर हाजिरी में कोई ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर आ जाए और उस पर यक्षिणी की नजर पड़ जाए और मामला बिगड़ जाए, इसलिए वो ग्रेवयार्ड कोठी में एक बड़ा सा ताला लगाकर जा रहा था। अनुराग ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे पर ताला लगाता है, उसकी चाबी अपनी जेब में रखता है और वहां से जाने लग जाता है। अनुराग को गए हुए अभी एक घंटा ही बीता था कि यक्षिणी के लिए वक्त काटना मुश्किल होते जा रहा था। उसके मन में रह रहकर अनुराग का ही ख्याल आ रहा था, आता भी कैसे नहीं, उसके दिलो जान में अनुराग जो पूरी तरह बस गया था। उसके मन में बार बार यही आ रहा था कि वो अभी स्टेशन पर जाए और अनुराग को शहर जाने से रोक ले, पर वो ये बात अच्छे से जानती थी कि उसने खुद अनुराग को जाने की इजाजत दी थी, अब उसे वो रोक नहीं सकती थी वरना वो स्वार्थी कहलाती, और यक्षिणी स्वार्थी बिल्कुल नहीं थी, एक देवी थी वो। यक्षिणी अनुराग के बिना ग्रेवयार्ड कोठी में वक्त काटने की कोशिश करने लग जाती है। यक्षिणी कभी खिड़की से बाहर झांकते हुए बादलों में बनती अलग अलग कलाकृतियों को देख वक्त काटने की कोशिश करती, तो कभी ढलते सूरज के बदलते रंग को देख वक्त काटने की कोशिश करती। यक्षिणी दिन में तो कैसे भी करके वक्त काट ही लेती, पर उसके लिए रात काटनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। यक्षिणी के लिए क्या, हर वो शख्स जो किसी अपने से अलग हुआ है उसके लिए रात काटनी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि रात कभी अकेले नहीं आती है, अपने साथ कई दर्द भरी यादें लेकर आती है। उस शख्स की यादें जो या तो हमसे दूर रहता है या फिर जिसे हम खो चुके होते हैं। रात के वक्त यक्षिणी की नजर ग्रेवयार्ड कोठी के जिस हिस्से में पड़ती, उस हिस्से से जुड़ी उसकी और अनुराग की यादें उसे याद आने लग जाती हैं। उसे याद आता है कि किस तरह वो अनुराग के साथ हॉल में बैठकर बातें करती, किस तरह वो किचन में उसके लिए चाय बनाने जाया करती। उसे याद आता कि किस तरह वो अनुराग को अपनी ही कहानी के किस्से सुनाया करती और अनुराग उसकी कहानी में खो जाया करता। उसे याद आता कि कैसे जब अनुराग टाइपराइटर पर कुछ लिखने बैठता तो उसे देखते देखते वो एक अलग सी दुनिया में खो जाती, वो दुनिया जहाँ पर सिर्फ वो और अनुराग रहते और कोई नहीं। जैसे जैसे यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी में टहलते जा रही थी, उसकी आंखों के सामने से वो सारे पल गुजर रहे थे जो उसने अनुराग के साथ वहीं पर बिताए थे। उन बीतते पलों के गुजरने के साथ ही यक्षिणी की आंखें भी नम होने लग गई थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू आते जा रहे थे,
वो आंसू जिसे वो चाहते हुए भी रोक नहीं पा रही थी। हमारी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे जीवन की जो सबसे यादगार यादें होती हैं, वही हमें रुलाने लग जाती हैं। जब हमें इस बात का एहसास होता है उन यादों में जो शख्स हमारे साथ था अब वो हमारे साथ नहीं है। ग्रेवयार्ड कोठी में टहलते हुए ही आखिर में यक्षिणी हॉल में ही आकर बैठ जाती है, उसी जगह पर जहां पर अनुराग ने उसे जाने से पहले आखिरी बार गले लगाया था और कहा था कि वो जल्द ही वापस लौट कर आएगा। यक्षिणी को वही पुराना एहसास होने लग गया था जब अनुराग उसे छोड़कर शहर पढ़ने के लिए गया था। उसे डर सताने लग गया था कि कहीं इस बार भी अनुराग शहर जाकर उसे वापस से ना भूल जाए और फिर उसे सालों तक उसका इंतजार न करना पड़े। यक्षिणी को मन ही मन ऐसा लगने लग गया था जैसे अनुराग उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गया हो। वो वापस से ग्रेवयार्ड कोठी में अकेली पड़ गई थी। रात के अंधेरे के बढ़ने के साथ ही उसकी तन्हाई भी बढ़ने लग गई थी और तन्हाइयां अपने साथ लेकर आती हैं आंसू, वो आंसू जिसे बहने से कोई नहीं रोक सकता, खुद यक्षिणी भी नहीं। यक्षिणी रोने लग गई थी। यक्षिणी अनुराग को याद करते हुए रोते हुए कहती है, वापस आ जाइए लेखक बाबू, जल्दी वापस आ जाइए, अपनी यक्षिणी को छोड़कर मत जाइए, वापस आ जाइए लेखक बाबू, वापस आ जाइए लेखक बाबू, लेखक बाबू, लेखक बाबू करके रोते हुए ही कब यक्षिणी की आंख लग जाती है उसे खुद नहीं पता चलता है। सुबह के 5:30 बज रहे थे और सूर्य उदय होने लग गया था। पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया था जिसकी आवाज खुली खिड़कियों से ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर तक आने लग गई थी। रात में अनुराग को याद करते करते यक्षिणी फर्श पर ही बेसुध होकर सो गई थी। उसकी काली साड़ी का पल्लू उसके बदन पर से हटकर फर्श पर बिखरा पड़ा था जिस कारण उसके उभरे हुए वक्ष और अर्धनग्न पेट का हिस्सा दिख रहा था। यक्षिणी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी जैसे सपने में भी वो अनुराग को ही देख रही हो, उससे प्यार कर रही हो। यक्षिणी एक नजाकत के साथ सो रही थी, इतनी नजाकत के साथ कि कोई मर्द उसे सोती हुई अवस्था में भी पसंद कर ले। यक्षिणी सोते हुए ही नींद में बड़बड़ाना शुरू कर देती है। यक्षिणी नींद में बड़बड़ाते हुए कहती है, लेखक बाबू, लेखक बाबू, लौट आइए लेखक बाबू, अपनी यक्षिणी के पास वापस आ जाइए लेखक बाबू, वापस आ जाइए लेखक बाबू। यक्षिणी नींद में बार बार यही सब बड़बड़ा ही रही थी कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है। देखते ही देखते वो कदमों की आहट इतनी तेज हो जाती है कि यक्षिणी नींद में से उठने लग जाती है। यक्षिणी लेखक बाबू करते हुए ही नींद में से उठ जाती है। नींद में से उठने के बाद भी यक्षिणी को किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। यक्षिणी को ऐसा लग रहा था जैसे कोई ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे की तरफ ही कदम बढ़ा रहा हो। यक्षिणी उन कदमों की आहट को गौर से सुनते हुए कहती है, ये सुबह सुबह कौन ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ आ रहा है। यक्षिणी कुछ अंदाजा लगा पाती तभी उसे ताले के अंदर चाबी डालने और उसके खोलने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही यक्षिणी ताले के खुलने की आवाज सुनती है वो समझ जाती है कि ताले की चाबी किसके पास थी, कौन आ सकता था। ताला खुलने की आवाज सुनकर यक्षिणी खुशी से फूले नहीं समाती है। वो बौखलाहट के साथ फर्श पर से उठती है, अपनी साड़ी के पल्लू को लपेटती है और भागते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगती है। जैसे ही यक्षिणी दरवाजे के पास पहुंचती है दरवाजा कोई बाहर से खोल देता है। दरवाजा करकराते हुए खुल जाता है और यक्षिणी दरवाजे की दहलीज पर ही खड़ी की खड़ी रह जाती है। 10 दिन बाद यक्षिणी हॉल ही में फर्श पर बैठी हुई थी, उसी जगह पर जहां पर वो अनुराग से आखिरी बार गले मिली थी, वहीं पर अनुराग ने उसे आखिरी बार चुंबन भी किया था। यक्षिणी कुछ डरी डरी और घबराई हुई लग रही थी जैसे वो किसी बात से परेशान हो। उसने जरा सा भी श्रृंगार नहीं किया था, उसके लंबे लंबे बाल बिखरे हुए और उलझे हुए थे। यक्षिणी की आंखें सूजी हुई और लाल थी जैसे पिछले 10 दिनों से वो खूब रोई हो, एक रात भी चैन से ना सो पाई हो। यक्षिणी परेशान होते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, ये मैंने क्या किया, क्या मैंने सही किया, मुझे ऐसा करना चाहिए था या नहीं, मैं लेखक बाबू को इस बारे में बताऊं या ना बताऊं, क्या सही है क्या गलत, कुछ समझ नहीं आ रहा। यक्षिणी बार बार खुद से यही सवाल पूछे जा रही थी और जैसे जैसे वो इस बारे में सोचते जा रही थी उसके मन के सवाल भी बढ़ते जा रहे थे, साथ में उसकी परेशानियां भी जो उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अगले ही पल यक्षिणी नामे अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं
चाहे कुछ भी हो जाए इस बारे में मैं लेखक बाबू को कभी कुछ नहीं बताऊंगी। यही सही होगा, ये राज हमेशा राज ही रहेगा। अगर उन्हें सच्चाई का पता चला तो उनका प्यार मेरे लिए कम हो जाएगा, जो मैं कभी नहीं चाहती। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे पर पीतल का बड़ा सा ताला लगा हुआ था, वही ताला जिसे अनुराग जाने से पहले लगा कर गया था। यक्षिणी हॉल में बैठकर सही और गलत का अंदाजा लगाने में लगी ही हुई थी कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। उन कदमों की आहट को सुनकर यक्षिणी और ज्यादा डर जाती है और सहम कर बैठ जाती है। यक्षिणी डरी हुई नजरों के साथ एकटक दरवाजे की तरफ देखने लग जाती है। यक्षिणी जब अपने कान चौकन्ने करती है तो उसे उसके आसपास से गुजरती महीन से महीन आवाज भी सुनाई देने लग जाती है। यक्षिणी को ताले के अंदर चाबी डालने और चाबी के घूमने के साथ ही कट से ताला खुलने की आवाज सुनाई देती है। ताले के खुलने के साथ ही ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा भी करकराते हुए खुल जाता है। जब दरवाजा खुलता है तो यक्षिणी देखती है कि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि अनुराग खड़ा हुआ था, जिसने अपने हाथ में अपना काला बैग पकड़कर रखा हुआ था। यक्षिणी ने अनुराग को देख लिया था, पर तब भी वो अपनी जगह पर ही बैठी हुई थी, वहां से जरा सा भी नहीं उठी थी। अनुराग को देखकर यक्षिणी के चेहरे पर जरा सी भी खुशी नहीं थी, बल्कि वो और ज्यादा सहम कर बैठ गई थी। यक्षिणी का ऐसा बर्ताव देखकर अनुराग को बड़ा अजीब लगता है। उसने सोचा था कि जब यक्षिणी उसे पूरे 10 दिन बाद देखेगी तो सीधे आते से ही उससे लिपट जाएगी और उसे बताएगी कि इन 10 दिनों में उसने उसे कितना याद किया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अनुराग तो मूर्ति बनकर दरवाजे पर ही खड़ा रह गया था, पर जब उसकी नजर यक्षिणी की वेशभूषा पर पड़ती है तो उसके हाथ से उसका बैग झट से छूटकर धड़ाम से फर्श पर गिर जाता है। अनुराग तुरंत भागते हुए यक्षिणी के पास जाता है और बौखलाहट के साथ यक्षिणी से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना यक्षिणी? ये क्या हालत बना रखा है तुमने? क्या हुआ है तुम्हें? यक्षिणी अनुराग को पलटकर कुछ जवाब नहीं देती है, बस एकटक नजरों से उसे देखती रहती है। यक्षिणी को देखकर अनुराग इतना तो समझ ही गया था कि यक्षिणी के साथ कुछ न कुछ तो जरूर हुआ था। वो काफी घबराई हुई नजर आ रही थी। अनुराग को देखकर यक्षिणी की आंखें एक बार फिर से नम हो गई थी, पर इस बार उसकी आंखों से आंसू बह नहीं रहे थे, वो उसकी आंखों में ही जम कर रह गए थे। अनुराग यक्षिणी की नम आंखें देखते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ यक्षिणी, तुम चुप क्यों हो? बोलो यक्षिणी, तुम ठीक तो हो ना? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अनुराग यक्षिणी की नम आंखें देखते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ यक्षिणी, तुम चुप क्यों हो? बोलो यक्षिणी, तुम ठीक तो हो ना? यक्षिणी अभी भी अनुराग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। ऐसा लग रहा था जैसे यक्षिणी किसी सोच में खोई हुई हो। अनुराग यक्षिणी के हाथ को पकड़ता है और उसे हिलाते हुए कहता है, यक्षिणी यक्षिणी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम सुन रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यक्षिणी अनुराग को देखते हुए धीरे से कहती है, हाँ लेखक बाबू, सुन रही हूँ। अनुराग यक्षिणी पर कुछ चिढ़ते हुए कहता है, अगर सुन रही हो तो तुम मेरी बात का कुछ जवाब क्यों नहीं देती? बताती क्यों नहीं कैसी हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? यक्षिणी नम लहजे के साथ ही कहती है, आपको मेरी हालत देखकर क्या लग रहा है लेखक बाबू, कैसी होगी मैं? अनुराग कुछ जवाब नहीं देता है, एकटक यक्षिणी को देखते रहता है। यक्षिणी नम आंखों के साथ कहती है, आपके बिना मैं कैसे ठीक रह सकती हूँ लेखक बाबू, आप ही तो मेरी जिंदगी है, आपके बिना मेरी सांसें थम सी जाती हैं, पर अब आप लौट कर आ गए हैं ना तो सब ठीक हो जाएगा। अनुराग को यक्षिणी की बातों में एक पहेली लग रही थी और वो तुरंत मुंह बनाते हुए यक्षिणी से पूछता है, क्या ठीक हो जाएगा यक्षिणी? यक्षिणी अनुराग की आंखों में देखते हुए कहती है, मेरा ये रूप। यक्षिणी के इतना कहते ही एक तेज सफेद रोशनी चमकती है। उस सफेद तेज रोशनी में अनुराग को कुछ दिखाई नहीं देता है। जब वो रोशनी गायब होती है तो अनुराग देखता है कि यक्षिणी के बाल समर गए थे, उसकी साड़ी उसके बदन पर सलीके से लिपटी हुई थी।
वो उसी सुंदर रूप में आ गई थी जिस रूप में अनुराग उसे छोड़कर गया था। अनुराग यक्षिणी की सुंदरता देखकर एक पल के लिए सब कुछ भूल सा गया था। उसके दिल से खुद ब खुद एक आवाज निकलती है और वो झट से यक्षिणी से बोल पड़ता है, तुम बहुत सुंदर हो यक्षिणी, इतनी सुंदर कि तुम्हारी तारीफ में कायनात के सारे लफ्ज कम पड़ जाएं। यक्षिणी शर्माते हुए कहती है, लेखक बाबू आप ना जब देखो मेरी तारीफ करते रहते हैं, मेरी तारीफ करना छोड़ेंगे या नहीं? अनुराग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, कभी नहीं यक्षिणी, कभी नहीं, जीवन की आखिरी सांस तक नहीं। यक्षिणी मुस्कुराते हुए कहती है, अपना लेखक बाबू रहने ही दीजिए, आप कभी नहीं थकने वाले मेरी तारीफ करते करते, लेकिन आपको देखकर साफ लग रहा है इस लंबे सफर से आप जरूर थक गए हैं। लेखक बाबू जाइए और जाकर हाथ पैर धो लीजिए। अनुराग अंगड़ाई लेते हुए कहता है, हाँ यक्षिणी, ट्रेन में बैठे बैठे पूरी कमर अकड़ गई है, थक भी बहुत गया हूँ, अब ये थकान तो तुम्हारे हाथ की चाय से ही मिटेगी, तुम ना मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दो। यक्षिणी पलट कर कहती है, अभी बना देती हूँ लेखक बाबू, पहले आप हाथ पैर तो धो लीजिए। यक्षिणी के इतना कहते ही अनुराग हाथ पैर धोने के लिए अपने कमरे की तरफ जाने लग जाता है। अनुराग के वहां से जाते ही यक्षिणी फिर से मायूस हो जाती है, जैसे उसके चेहरे पर मुस्कान भी सिर्फ अनुराग के लिए आई हो, वो भी झूठी मुस्कान जो उसके जाते ही चली गई थी, जैसे वो अनुराग के सामने दिखावा कर रही हो खुश होने का। शाम हो गई थी, अनुराग और यक्षिणी एक ही कमरे में बैठे हुए थे। अनुराग यक्षिणी के हाथ से बनाई हुई गर्मा गर्म चाय पी रहा था, उसके एक हाथ में सिगरेट थी तो एक हाथ में चाय का कप। वो सिगरेट के कश खींचते जा रहा था और चाय की चुस्कियां लेते जा रहा था। यक्षिणी उसी कमरे में खिड़की के पास काफी देर से खड़ी हुई थी और वहां से नजर आते बंगला मुड़ा घाट के नजारे को देख रही थी। उसे वहां से किश्नोई नदी का घाट और किश्नोई नदी शांति के साथ बहते हुए नजर आ रही थी। यक्षिणी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ख्याल में खोई हुई हो, जैसे वो कमरे के अंदर मौजूद होकर भी वहां पर मौजूद ना हो। अनुराग जब से आया था तब से यक्षिणी को नोटिस कर रहा था और यक्षिणी उसे काफी बदली बदली नजर आ रही थी। वो यक्षिणी जो हर वक्त मुस्कुराते रहती थी, उससे बातें करती रहती थी, आज वो किसी ख्याल में खोई हुई और खामोश नजर आ रही थी। वो किसी बात को लेकर सहमी हुई और डरी हुई लग रही थी। अनुराग चाय पीते हुए ही यक्षिणी को पुकारते हुए कहता है, यक्षिणी यक्षिणी सुनो यक्षिणी। यक्षिणी को जवाब नहीं देती है, अपने ख्यालों में ही खोई रहती है। यक्षिणी के इस बिहेवियर से अनुराग चिढ़ जाता है और वो कसकर चीखते हुए कहता है, यक्षिणी। जब यक्षिणी के कानों में अनुराग की एक चीख गूंजती है तो वो अपने ख्यालों की दुनिया में से बाहर आ जाती है और वो एक डर के साथ कहती है, हाँ लेखक बाबू कहिए ना। यक्षिणी का ये डर देखकर अनुराग को बहुत अजीब लगता है और वो एक पल के लिए भूल जाता है कि वो यक्षिणी से गुस्सा था। वो बड़े प्यार से यक्षिणी से पूछता है, तुम पक्का ठीक हो ना यक्षिणी? यक्षिणी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ लेखक बाबू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? अनुराग कुछ हिचकिचाहट के साथ कहता है, तुम्हें देखकर लगता नहीं यक्षिणी कि तुम ठीक हो, कहीं खोई खोई नजर आ रही हो। यक्षिणी पलट कर कहती है, हाँ खोई हुई तो हूँ मैं लेखक बाबू। अनुराग तुरंत हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, खोई हुई हो पर कहाँ यक्षिणी? यक्षिणी मुस्कुराते हुए ही कहती है, आपके ख्यालों में लेखक बाबू, और कहाँ खोऊंगी मैं? अनुराग भी यक्षिणी के इस शरारत को समझते हुए कहता है, मेरे ख्यालों में खोने की क्या जरूरत है यक्षिणी, जब मैं खुद तुम्हारे पास हूँ। आ जाओ यक्षिणी मुझ में खो जाओ। इतना कहकर अनुराग अपनी जगह पर खड़ा होता है और चाय सिगरेट छोड़कर अपनी दोनों बाहें फैला देता है। अनुराग यक्षिणी को अपने पास पुकारते हुए कहता है, आओ यक्षिणी मेरे पास आओ। यक्षिणी धीरे धीरे अपने कदम अनुराग की तरफ बढ़ाने लग जाती है। अनुराग फिर आहिस्ते से कहता है, आओ यक्षिणी आओ। यक्षिणी अनुराग के पास जैसे ही पहुंचती है लंबी लंबी आहें भरने लग जाती है। यक्षिणी अपनी दोनों बाहें फैलाकर अनुराग के गले से लिपटने ही वाली थी कि तभी वो कुछ सोचती है और तुरंत अपनी बाहें वापस से नीचे कर लेती है। वो झट से अनुराग से एक कदम पीछे चली जाती है, जैसे वो किसी बात को सोचकर घबरा गई हो। अनुराग को यक्षिणी का ऐसा बर्ताव बहुत अजीब लगता है। वो तुरंत यक्षिणी से पूछता है, क्या हुआ यक्षिणी तुम रुक क्यों गई? यक्षिणी नजाकत भरे अंदाज में बड़े प्यार से कहती है,
रात तो होने दीजिए लेखक बाबू, इतनी भी क्या जल्दी है। मुझे पता है अगर आप एक बार मुझसे लिपटे तो सुबह तक मुझे नहीं छोड़ने वाले, मुझे थका कर रख देंगे। अनुराग अपनी दोनों भवें ऊपर करते हुए कहता है, अच्छा जी ऐसी बात है। यक्षिणी पलट कर कहती है, और नहीं तो क्या लेखक बाबू, मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए कितना प्यार है, कितनी तड़प है। आप जब मेरे साथ रहते हैं तो सब काम भूल जाते हैं, और अभी आपको अपना काम करना चाहिए, कहानी लिखनी चाहिए, आखिर उसी के लिए तो आप वापस लौट कर आए हैं। अनुराग यक्षिणी को एकटक देखते हुए कहता है, मैं सिर्फ कहानी के लिए नहीं यक्षिणी, तुम्हारे लिए भी लौट कर आया हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना कहकर अनुराग खुद यक्षिणी की बाहों को छूने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने लग जाता है। अनुराग यक्षिणी को छू पाता उससे पहले ही यक्षिणी फिर एक कदम पीछे हटते हुए कहती है, मुझे पता है लेखक बाबू आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अनुराग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं यक्षिणी तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। यक्षिणी हैरानी के साथ कहती है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं लेखक बाबू, क्या हो गया है आपको। अनुराग कुछ चिढ़ते हुए कहता है, ये तुम मुझसे पूछ रही हो यक्षिणी कि मुझे क्या हुआ है, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या हुआ है। जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ तुम मुझसे दूर दूर भागे जा रही हो, एक पल मेरे साथ खड़ी नहीं रह रही हो, मेरे पास आने से डर रही हो, ना जाने किस बात से घबराई हो तुम, हुआ क्या है यक्षिणी आखिर। यक्षिणी चुप ही खड़ी रहती है। अनुराग अपने अंदर की सारी भड़ास बाहर निकालते हुए कहता है, तुम बदल गई हो यक्षिणी, तुम सच में बदल गई हो, तुमने मुझसे एक बार नहीं पूछा कि मेरा सफर कैसा रहा, जाने से पहले तुम मेरे बेटे युग की कितनी चिंता कर रही थी, पर जब से लौट कर आया हूँ तुमने एक बार मुझसे नहीं पूछा कि युग अब कैसा है, तुम बदल गई हो यक्षिणी। इतना कहकर अनुराग चुप हो जाता है। कमरे के अंदर एकदम खामोशी छा जाती है। अनुराग की आंखों में यक्षिणी के लिए नाराजगी साफ नजर आ रही थी। यक्षिणी अनुराग को एकटक देखते हुए बड़े ही नम लहजे के साथ कहती है, जब आप शहर पहुंचे तो सीधे हॉस्पिटल गए और युग की हालत देखकर घबरा गए थे, वहीं पर रोने लग गए थे क्योंकि डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, उन्होंने कह दिया था कि युग के बचने की उम्मीद बहुत कम है। फिर आपने उसकी आंखों में मेरा दिया हुआ काजल लगाया और उसी के बाद से धीरे धीरे युग की तबीयत में सुधार आने लगा। अनुराग यक्षिणी को हैरानी के साथ देखते हुए उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता ये सब बातें यक्षिणी। यक्षिणी अनुराग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है और अपनी ही बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, जब युग की तबीयत में सुधार आने लग गया तो कुछ ही दिनों में उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया। घर पर आपने युग के साथ काफी अच्छा वक्त बिताया, युग भी आपको देखकर बहुत खुश था, और फिर आपको मुझसे किया वादा याद आया कि आपने कहा था युग के ठीक होते ही आप आ जाएंगे, इसलिए आप अगले दिन ही आने की तैयारी करने लग गए। पर चित्रा इस चीज से काफी नाराज थी और आते हुए आप फिर चित्रा से झगड़ा करके आए हैं। अनुराग शॉक्ड होते हुए फिर अपना सवाल रिपीट करता है, तुम्हें ये सब कैसे पता यक्षिणी। यक्षिणी बड़े प्यार से अनुराग से कहती है, मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा लेखक बाबू, मैंने कहा ना मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके आते ही मैंने आपकी आंखों में झांक कर आपके मन की सारी बातें जान ली थी, तभी तो आपसे कुछ नहीं पूछा था, जब मुझे पहले ही सब पता था तो आपसे पूछकर क्या करती। अनुराग अपनी गलती महसूस करते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो यक्षिणी, मैंने तुम्हें गलत समझा। यक्षिणी पलट कर कहती है, कोई बात नहीं लेखक बाबू, बस अब कभी भी मेरे प्यार पर शक मत करना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार कि आपको बता नहीं सकती। अनुराग भी यक्षिणी की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यक्षिणी। अनुराग का मन तो कर रहा था कि वो उसी वक्त यक्षिणी की बाहों से लिपट जाए, पर वो जानता था कि ये सही नहीं होगा। अभी उसे यक्षिणी ने मना किया था क्योंकि वो भी ये बात अच्छे से जानता था कि अगर उसने एक बार भी यक्षिणी को छुआ तो रात भर वो उससे लिपटा ही रहेगा, उसके साथ प्रेम क्रीड़ा करते रहेगा, और वो शहर से कुछ सोच कर आया था, इसलिए वापस से अपनी कुर्सी पर जाकर बैठता है और कहानी में ध्यान लगाने लग जाता है। यक्षिणी भी वापस जाकर खिड़की पर खड़ी हो जाती है और बाहर झांकने लग जाती है। रात हो चुकी थी, रात जैसे जैसे गहरी होती जा रही थी अपने साथ खामोशी का आलम चारों तरफ फैलाते जा रही थी। अनुराग अभी भी कहानी के बारे में सोच रहा था, उसने अपनी डायरी में वही पेज खोलकर रखा था जिसमें यक्षिणी के किरदारों की लिस्ट थी। उस लिस्ट में कई सारे नाम ऐड हो चुके थे, होते भी कैसे नहीं,
यक्षिणी की कहानी सदियों से जो चल रही थी, हर अमावस्या और पूर्णिमा के साथ एक नया किरदार उसकी कहानी में ऐड हो जाया करता था। अनुराग इस वक्त उन्हीं किरदारों के किस्से के बारे में याद कर रहा था जो यक्षिणी ने उसे बताए थे, क्योंकि 10 दिन का गैप आ जाने के कारण अनुराग सब कुछ भूल सा गया था। इसलिए वो खुद को रिमाइंड करवा रहा था कि यक्षिणी ने किस किरदार के बारे में उसे क्या बताया था। अनुराग उन किरदारों से जुड़े किस्से याद ही कर रहा था कि तभी दीवार में लगी पेंडुलम घड़ी में 2 बज जाते हैं। जैसे 2 घंटे बजने की आवाज अनुराग को सुनाई देती है, उसका ध्यान भटक जाता है, किस्से याद करने की उसकी लिंक टूट जाती है। अनुराग दीवार में लगी घड़ी को देखते हुए कहता है, अरे ये क्या, 2 बज गए और अभी तक तो मैं यक्षिणी की कहानी के आधे किरदारों के किस्से भी याद नहीं कर पाया हूँ। कितने सारे किरदार हैं यक्षिणी की कहानी में। अनुराग खुद से बातें करते हुए अपनी नजरें यहाँ वहाँ दौड़ा ही रहा था कि तभी उसकी नजर कमरे में मौजूद यक्षिणी पर पड़ती है, जो बेड पर गहरी नींद में सो रही थी। अनुराग यक्षिणी को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, ये क्या, यक्षिणी कैसे सो गई? आज से पहले तो मैंने कभी इसे मुझसे पहले सोते हुए नहीं देखा। ये तो हर रात मुझे कहानी सुनाती थी, पर आज इसे क्या हुआ? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।